सो हेलो गाइस एंड कैसे हो आप सभी। आज की वीडियो गाइस उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो कि एक मिड रेंज यूजर है, यानी कि उनको 10 से 11 हज़ार रुपए के प्राइस रेंज में एक ऐसा स्मार्टफोन चाहिए जिनमें उनको बैटरी भी अच्छी देखने को मिले, डिस्प्ले भी काफी अच्छा देखने को मिले एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस भी वहाँ पे अच्छी देखने को मिले। तो गाइज ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि आज हम ऐसे ही एक स्मार्टफोन के बारे में बात करने वाले जो कि आपको इसी के प्राइस रेंज में देखने को मिल जाएगा और वो इन सारी चीज़ों को प्रॉपरली फुलफिल भी करता है। और वो जो स्मार्टफोन होने वाला है वो है इन्फिनिक्स हॉट 10S। अब बेसिकली जो स्मार्टफोन है वो फ्लिपकार्ट पे हो चुका है टीज, 20 मई को इसकी लॉन्चिंग भी रखी गई है, लेकिन उसके पहले इसके सारे के सारे स्पेसिफिकेशन और रिव्यूज बाहर निकल के आ गए हैं। लेकिन गाइस आज की जो वीडियो होने वाली है ये क्विक गेमिंग रिव्यू के ऊपर होने वाली है। इसके बारे में मैं डिटेल में भी वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम इसके जायरोस्कोप को भी टेस्ट करेंगे और इसका कंक्लूजन देंगे कि ये फोन एक्चुअल में गेमिंग में कैसा है। बाकी इस वीडियो से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इसमें आपको किस तरीके की परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। तो इसलिए गाइस मेक श्योर करना कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस किया हो, क्योंकि मैंने चाहता कि आपसे वो वीडियो बिल्कुल भी मिस हो जाए। बाकी जो भी हो, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इन्फिनिक्स हॉट 10S के गेमिंग रिव्यू के बारे में, जानने के इसमें आपको किस तरीके की परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। तो गाइस इसी कारण से ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारी आज के अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस सबसे पहले हम बात लेते हैं इन्फिनिक्स हॉट 10S के कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो अभी आप देख सकते हैं इसके स्पेसिफिकेशन को, मैं इसे एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करके आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है मीडियाटेक का हीलियो G85 जो कि 12 नैनोमीटर पे बेस्ड है एंड अगेन जो चिपसेट है वो एक डुअल 4G चिपसेट है। लेकिन गाइस बता दूं कि जो चिपसेट है वो एक गेमिंग ओरिएंटेड चिपसेट है, यानी कि स्पेशली फॉर गेमिंग इसको डिजाइन किया जाता है। लेकिन हाँ, इसमें आपको एक एवरेज ही परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी, लेकिन एक्जैक्टली किस तरीके की देखने को मिलेगी वो तो हम आगे डिस्कस करेंगे ही। बात कर लेते हैं इसके अदर फीचर्स के बारे में, जैसे इसके सेंसर्स। तो यहाँ पे आपको सारे के सारे सेंसर्स देखने को मिल जाएंगे, फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाएगा एंड हाँ यहाँ पे आपको जायरोस्कोप भी देखने को मिलता है। लेकिन जायरोस्कोप कैसा है वो तो हम इसके डिटेल गेमिंग रिव्यू में तो डिस्कस करेंगे ही। बाकी डिस्प्ले की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 90Hz के रिफ्रेशिंग रेट वाला एक HD+ IPS डिस्प्ले। जी गाइस, आपको 90Hz का रिफ्रेशिंग रेट देखने को मिलता है इसके डिस्प्ले में, हालांकि इसका डिस्प्ले HD+ ही है। और बात करते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में, तो ये जो फोन है वो आपको देखने को मिल जाएगा 10,000 रुपीज के अंदर है। तो देखा जाए तो ये 10,000 रुपए के प्राइस में इसके स्पेसिफिकेशन काफी ज्यादा जस्टिफाई आपको देखने को मिलते हैं। और कंपनी कहती कि यहाँ पे आपको स्पेशल गेम का फीचर देखने को मिलता है जो कि है डार्लिंग गेम बूस्ट टेक। अब बेसिकली जो फीचर वो तीन तरीके से आपको हेल्प करता है, यानी कि तीन तरीके से इसको बनाया गया है कि वो आपको गेमिंग में हेल्प करे। सबसे पहला इसका बेनिफिट देखने को मिलता है कि अगर आप गेमिंग कर रहे हैं तो वो आप जो आपकी स्क्रीन है वो टियरिंग नहीं करेगी। जैसे कि हम सभी को पता है कि जो भी मिड रेंज स्मार्टफोन होते हैं उसमें आपको ये प्रॉब्लम देखने को मोस्टली मिलती है, लेकिन इस फोन में आपको ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। इसका जो टच रिस्पॉन्स पैनल है उसको भी यहाँ पे इनहांस किया गया है। अगर आप गेमिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स टाइम थोड़ा अच्छा देखने को मिल जाएगा, लेकिन कंपनी ने अभी एक्जैक्टली बताया तो नहीं है कि यहाँ पे आपको कितने हर्ट्ज का एक्जैक्टली टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिलता है, लेकिन हाँ यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स टाइम थोड़ा अच्छा ही देखने को मिल जाएगा एक एवरेज स्मार्टफोन के कंपैरिजन में। बाकी थर्ड इसका बेनिफिट देखने को मिलता है कि यहाँ पे इसे एक ऐसा फीचर दिया गया है जो कि आपकी हीटिंग को भी मैनेज करता है, यानी कि आपको हीटिंग वाला भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। तो देखा जाता है स्पेशली फॉर गेमिंग इसको बहुत ही अच्छी तरीके से डिजाइन किया गया है, लेकिन एक्जैक्टली किस तरीके की परफॉर्मेंस प्रोवाइड करके देता है ये जानना इंटरेस्टिंग बन जाता है। तो गाइस इसी कारण से हम इस थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन को रखते हैं साइड पे, आ जाते हैं हमारे एक्चुअल गेमिंग रिव्यू पे। तो लिटरली हम इसमें टेस्ट करने वाले पबजी मोबाइल को, एंड पबजी मोबाइल में आपको बाय डिफॉल्ट जो ग्राफिक्स देखने को मिल जाएगी वो देखने को मिल जाएगी स्मूथ में अल्ट्रा। जी आगे से आपको बाय डिफॉल्ट देखने को मिल जाएगा स्मूथ में अल्ट्रा। एंड वही बात कर लेते हैं इस फोन के हाईएस्ट ग्राफिक्स के बारे में, तो आपको बैलेंस में भी अल्ट्रा एंड HD में आप इस फोन में हाई ग्राफिक्स में गेम प्ले कर पाएंगे, यानी मिनिमम आप इसमें 40 FPS एंड मैक्सिमम आप इसमें 30 FPS में गेम प्ले कर पाएंगे। एंड रही बात करते हैं गेम प्ले के बारे में, तो गाइस बता दूं कि मिरेडे का हीलियो G85 ये आपको बहुत ही ज्यादा डिसेंट तरीके की परफॉर्मेंस प्रोवाइड करके देता है। अगर हम TDM की बात करते हैं तो TDM में आपको कोई लैग वाला इशू देखने को तो नहीं मिलेगा, कोई भी आपको ग्राफिक्स को लेकर कॉम्प्रोमाइज भी देखने को नहीं मिलेगा। तो हाँ, आपको बिल्कुल प्रॉपर 40 FPS वाला गेम प्ले देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप इसमें बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको 38 से लेकर 40 FPS बिल्कुल प्रोवाइड करके दे ही देगा TDM में। हालांकि कुछ कुछ रेयर कंडीशन में इसके जो FPS है वो 36, 37, 35 तक भी जाते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा रेयर कंडीशन में होता है जब आप क्लोज रेंज में फाइट ले रहे हो तभी। लेकिन वही बात करते हैं एक्चुअल गेमिंग टेस्ट के बारे में, यानी कि सेनोक के बूट कैंप के बारे में, क्योंकि हम सभी को पता है कि यार वहाँ पे होता है असली टेस्ट, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे एनिमीज जो है वो एक साथ उतरते हैं और इसी कारण से वहाँ पे इंटेंस सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो जाती है और इसी टाइम पे बहुत सारे फोन जो है वो फ्रेम की फ्लक्चुएशन करते हैं। तो क्या इन्फिनिक्स हॉट 10S के मामले में भी आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी या नहीं, ये जाना इंटरेस्टिंग बन जाता है। तो गाइस मैं बता दूं कि अगर आप इस फोन के साथ में सेनोक का बूट कैंप करोगे तो जब आप प्लेन से जंप करोगे तो उस टाइम पे यहाँ पे आपको 34, 33 FPS तक का ड्रॉप देखने को मिल जाएगा, लेकिन अच्छी बात है कि वो फटाक से रिकवर हो जाता है और लैंड करते करते इसके जो FPS है वो फिर से 35, 37, 38 तक आना स्टार्ट हो जाते हैं। और जब आप लैंड कर चुके हो और आप बहुत सारे एनिमीज का सराउंडेड हो और आपको क्लोज रेंज में फाइट लेना पड़ रहा है, तब उस सिचुएशन में फ्रेम की फ्लक्चुएशन तो होती है लेकिन वो बहुत ज्यादा कम होती है। जैसे कि अगर आप फाइट ले रहे हो क्लोज रेंज में तो इसके जो FPS है वो 35 से लेकर 40 के बीच में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करेंगे, कभी कभी यहाँ पे आपको 34, 33 FPS तक का भी
ड्रॉप देखने को मिल जाएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये 35 और 40 के बीच में ही फ्लक्चुएट करता हुआ आपको दिखाई दे देगा। देखा जाए आपको 40 पे इसमें भी बहुत ही ज्यादा एवरेज किस्म की परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। बाकी इसकी हीटिंग एंड इसका गेमिंग फीचर प्रॉपर्ली वर्क करता भी है नहीं, ये तो हम इसके डिटेल गेमिंग रिव्यू में ही डिस्कस करेंगे। तो इसलिए अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस नहीं किया है तो भाई जल्दी से कर लो ताकि आपसे वो वीडियो बिल्कुल भी मिस ना हो पाए। बाकी मैंने आपको एक क्विक रिव्यू दे दिया कि ऐप आपको इस टाइप की परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी, जिसके कारण आपको एक आइडिया हो गया कि ऐप आपको किस तरीके की परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। आप सभी अपना ओपिनियन मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको ये फोन कैसा लगा एंड क्या आप इस फोन को बाय करना चाहोगे या नहीं, गेमिंग के लिए मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो भाई लाइक शेयर कर दो, नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना क्योंकि ऐसे अमेजिंग वीडियो आपसे बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे। सुपर हिट, सुपर हिट, पसंद आया लाइक करो, पसंद नहीं आया तो टेस्ट चेंज करो। लव यू।